सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वोट किधर कर रहे हैं इस बार? वोट इंडी गठबंधन को कर रहे हैं। पिछली बार और कहाँ किया था? पिछली बार तो हमने भाजपा को किया था, तो इस बार बदलाव चाह रहे? संतुष्ट नहीं है। अच्छा काम नहीं किए? बात सब काम अच्छा किए हो, लेकिन हमारे जीविका पे जो है सेठ लगी हुई है। सरकारी नौकरियां या रोजगार कुछ मिले इन 10 सालों में? नहीं नहीं सर, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो क्या मिलेगा? जो पहले से वैकेंसी है वो भी नहीं फाइनल हो रहा है। रात में खेती रखा हो, साढ़े पशुओं से बच नहीं रहा है, खेती में नुकसान हो, बहुत नुकसान हो रहा है। मौर्य लोग जानते हो, सब्जी उब्जी काम करते हैं, कुल लीलगा चल ले रहे हैं, साढ़ चल ले रहे हैं, ये सब समस्या है। तो आपकी दुकान है जी? कैसे रहे 10 साल दुकान में? दुकान तो इतनी ख़त्म हो गई है कि इसे जेब क्या नहीं चल सकता, बिक्री कुछ है नहीं, केवल दिन में बैठ के दुकान रखाओ। स्मृति ईरानी है, वो सिलेंडर लेके पहले प्रचार करती थी, आज 1200 रुपये कर दिए, 1200 करके 100 रुपये घटा दिया जाए तो क्या मतलब है? हमको 400 रुपये सिलेंडर मिल रहा था या 500 की 1000 सस्ता है, ये बताइए। 500 सस्ता है ना, तो 1000 में क्या फायदा है? खेती करते हैं? हम किसान है भैया। कैसे रहे किस किसानों के लिए? किसानों के लिए क्या है, सांड सब खा जा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत होता है धान पता लगे सेंटर पे बेचने ले जाते हैं, तो उनका जो एसमाई है या मार्केटिंग इंस्पेक्टर है कहता पहले हमको इतने रुपए कुंटल घूस दो, कोई जांच करने वाला है नहीं, सिर्फ कागज में जांच हो रही है इनकी, प्रैक्टिकली फील्ड में आए तब इनको पता चलेगा क्या कंडीशन है। क्या विचार है इस बार? इस बार तो भैया हम अगली बार दिए थे, अब की बार नहीं देंगे वोट बीजेपी को। पिछली बार दिए? हाँ पिछली बार दिए थे, कैंडिडेट दोनों ठीक है लेकिन पार्टी नहीं ठीक है बीजेपी। तो कह रहे हैं मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं जनता के लिए, बहुत 18-18 घंटे काम करते हैं, आपको काम उनकी वजह से फायदे कुछ हुआ नहीं आपका? 18 कर रहे हैं तब इस स्थिति पर हम लोग हैं, और 12 करेंगे तब तो घर से ही निकाल देंगे हम लोगों को। सीसे में आपका स्वागत है, हम उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर है, हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर नगर लोकसभा सीट जो है 1995 में अस्तित्व में आई थी, यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री रही बहन जी ने इस जिले को बनाया था। तो यहाँ पर जो है बात करेंगे यहाँ के प्रत्याशियों की, कि भाजपा से जो है यहाँ पर रितेश पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं सपा से लालजी वर्मा, और बसपा ने यहाँ से हयात कमाल अंसारी जी को यहाँ पर टिकट दिया है। हम लोग यहाँ भिवाना बाजार में हैं, और यहाँ कुर्मी बहुल ये क्षेत्र है, और यहाँ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार चुनाव में उनकी क्या राय है। चाचा नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ अपना? पप्पू चौधरी। पप्पू जी, चुनाव की बात कर रहे थे, कैसे रहे 10 साल आपके लिए? हमारे लिए तो अच्छे नहीं थे जी, रात और दिन सब फसल के लिए हमको जागना ही पड़ता है, दौड़ना ही पड़ता है। खेती करते हैं आप? हाँ खेती करते हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही है खेती? ये हमारा पशु से तो एकदम परेशान है हम लोग, और कई बार यहाँ से आवारा पशु लड़े भी, लेकिन बस वही थोड़े जाते हैं और ज़्यादा दिखाया जाता है। तो नुकसान है फसल में? नुकसान फसल में हमारा बहुत नुकसान है, मतलब 2 प्लाट खाली पड़ा हुआ, उसको हम बैरिकेडिंग नहीं कर पाए हैं, खाली पड़ा है इसलिए उसको जोत वो नहीं पा रहे हैं। तो फसल बर्बाद होती है, उस तरह की आमदनी भी हो पाती है फसल में? कैसे हो पाएगी जब आधा खेत पर नहीं पड़ा रहेगा, कैसे वो आमदनी हो पाएगी? बहुत लंबे खेती वाले हम लोग हैं भी नहीं। कितना खेती है? 1 हेक्टेयर। अच्छा, ये जो सरकार की योजना है किसान सम्मान निधि, वो मिलती है आपको? हाँ सम्मान निधि मिलती है, मिलती है। समय से मिल जाती है? हाँ हाँ समय से मिल जाती है। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं कि भाई आवारा पशुओं से आप परेशान हैं, खेती में नुकसान है, क्या वो जो मिल रहा है आपको उससे भरपाई हो पाती है? नहीं हो पाती, उससे भरपाई नहीं हो पाती। सरकार तो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिसाब से कर रहे होंगे लेकिन हमारे हिसाब से नहीं है, हमारा पशुओं पे कंट्रोल ही नहीं है, कैसे है जब आधे ज़्यादा फसल नुकसान हो जाती है तो 6000 में उसकी भरपाई थोड़ा हो पाएगी।
महंगाई का भी कुछ असर लगता है? महंगाई का बहुत बड़ा असर है, चड्डी फट जाती तो भी नहीं खरीद मिलता। आप जैसे किसान है भाई, खाद बीज इन सब में इनको खरीदने के लिए कोई समस्या पैदा होती है महंगाई की वजह से? अब देखिए, हम किसान हैं, अपनी व्यवस्था बना के खाद बीज की व्यवस्था तो करेंगे ही भाई, जीविका चला रहा है, नहीं करेंगे फिर अगले साल कहाँ जाएंगे। तो जैसे आपके आपके गांव में आप किसान हैं, किसानों के बच्चे, जैसे यूपी की मैं बात करूँ, पश्चिम में बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, यहाँ भी तैयारी करते हैं, तो कुछ नौकरियाँ वगैरह मिली आपके बच्चों को? नहीं, कोई नौकरी नहीं मिली। वोट किधर कर रहे हैं? वोट इंडी गठबंधन को कर रहे हैं। गठबंधन को? जी। आप कैंडिडेट भी है आपके, लाल जी वर्मा, इधर कैंडिडेट की वजह से कर रहे हैं या सपोर्ट की पार्टी को देखकर? पार्टी को देखकर। पिछली बार और कहाँ किया था? पिछली बार तो हमने भाजपा को किया था, तो इस बार बदलाव चाह रहे? संतुष्ट नहीं है। अच्छा काम नहीं किए? बात सब काम अच्छा किए हो, लेकिन हमारे जीविका पे जो है सेस लगी हुई है, हमारा पशुओं से। जी भैया जी, क्या नाम है अपना? अजीत चौधरी। अजीत भाई, क्या करते हैं आप? सर खेती करवाते हैं। अच्छा, कैसे रहे खेती के लिए ये साल? बस वही जो चाचा बोल लिए हैं वही है सबके लिए। तो समस्याएं हैं आवारा पशु वगैरह? जी जी जी, आवारा पशुओं से भी है। लील गाय जो है पहले जो है मारा जाता था, इस समय जो है उस पर भी रोक लगा है, उससे भी नुकसान हो रहा है, आवारा पशुओं से ज़्यादा हो रहा है, उसके अलावा लील गाय से भी हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जो है उनको जो है मारा जा सकता था, अब उस पर भी रोक लगा है, तो वो भी नुकसान कर रहे हैं। सरकार तो जब आई थी भाई, किसानों के लिए हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, बहुत सारी योजना चला रहे हैं, क्या ऐसा हुआ आपको लगा? नहीं, बस वही 2000 रुपये दे रहे हैं पीएम किसान, उससे जो है खेती थोड़ी हो पाएगा, और जो है गेहूं बिकेगा, धान बिकेगा, तो यहाँ जो है लेवी पे वो तो उनके यहाँ खाते में लग गया कि हम जो है किसानों को जो है MSP रेट पे दे रहे हैं, और यहाँ जो है पता लगता है 5 किलो 10 किलो जो है बिना लिए कटौती किए जो है बिकबे नहीं करेगा। आप नौजवान हैं, आपके आपके क्षेत्र में सरकारी नौकरियां या रोजगार कुछ मिले इन 10 सालों में? नहीं नहीं सर, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो क्या मिलेगा? जो पहले से वैकेंसी है वो भी नहीं फाइनल हो रहा है। अभी जैसे यूपी पुलिस की आई, भर्ती रद्द हो गई, समस्या हुई उससे? अरे क्यों नहीं समस्या होगा, हाँ पेपर दिए जो है भाई लोग, और जो है उसके बाद जो है कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद जो है भाई उसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ना, खर्च हो रहा है, उसका समाधान तो कुछ निकला नहीं, सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है। क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव भी आ गए? अब चुनाव में क्या देखेंगे, किधर किधर जाएंगे, किधर मन बनाया है वोट करने का? वोट करने का बस वही सपा। कैंडिडेट है आपके इस वजह से या? नहीं नहीं नहीं, कैंडिडेट की वजह से नहीं, दिक्कत परेशानी रही, बदलाव चाहते हैं। जी जी। और पिछली बार कहाँ दिया था? पिछली बार जो चाचा जहाँ दिए थे, मतलब ये समझ में आया कि कई बार से देख रहे हैं, एक बार जो है भाजपा को भी देख लिया जाए, लेकिन अब जो है उसको भी देख लिए, हमारा जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो हम आगे बढ़ते थे अब जो है हमारा बैकग्राउंड पीछे हो रहा है। आई जहाँ हम 10 बीघा खेती करवाते थे, तो हम जो है 60 12 पशुओं से जो है हमारा 4 बीघा हो रहा है, जो दूर का खेती है उसमें जो है नुकसान कर रहे हैं, वहाँ उतना देखभाल नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी सरकार? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं उतरी है, तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं। जी 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 भैया जी, नमस्कार। नमस्ते भैया, क्या नाम हुआ जी अपना? विनोद मौर्या। अच्छा जी, आप मौर्य समाज से हैं? जी सर। अच्छा जी, क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में मौर्य समाज किधर जा रहे हैं? भैया मौर्य समाज कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा है बाकी हमें तो नहीं बता पाएंगे ना, हम कहीं घर द्वार से टहरते हैं, दुकान घर, रात में खेती रखा हो, साढ़े पशुओं से बच नहीं रहा है, खेती में नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। मौर्य लोग जानते हो सब्जी उब्जी काम करते हैं, कुल नीलगा चल ले रहे हैं, साढ़ चल ले रहे हैं, ये सब समस्या है।
आपकी दुकान है जी। कैसे रहे 10 साल दुकान में? दुकान तो इतनी खत्म हो गई है कि इसे जेब क्या नहीं चल सकता, बिक्री कुछ है नहीं, केवल दिन में बैठ के दुकान रखाओ। जैसे GST बढ़ा दिया उससे भी फर्क बहुत बहुत प्रभाव पड़ रहा है। सामान जिसका 200-400 लेना था वही 150 का के लेके जाता है, अपना काम चलाता किसी तरह। महंगाई का भी असर होता है आपके लोग खरीदने का? महंगाई बहुत है, महंगाई तब से बहुत ज़्यादा है। अब 500 रुपया सिलेंडर रहा है, आज 1200-1100 रुपया सिलेंडर वही मिल रहा है, तो आदमी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो कह रहे थे अभी सस्ता कर दिया कुछ रेट का। क्या सस्ता कर दिए हैं, जो पहले का रेट था उसका आधा भी नहीं हुआ है। 100-50 रुपया अगर घटा दो उसको घटाया थोड़ा ही कहते हैं। और कोई रोजगार वगैरह की व्यवस्था नहीं है क्षेत्र में? नहीं व्यवस्था है, कोई दुकान चल ही नहीं रहा है, मने रोजगार खोल के करेगा क्या, बिक्री तो होना चाहिए। ये सब समस्या है। किधर सोच रहे हैं फिर, क्या चाह रहे हैं इस बार चुनाव में? किधर आपकी दूसरी बार, उस बार देखा था। पिछली बार कहाँ आपने दिया? BJP के दिए थे। और इस बार कहाँ सोच? सपा के जाएगा वो। अच्छा तो बात हो गई। अच्छा जी भैया जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ जी अपना? हमारा नाम विनय चौधरी है। विनय जी, चुनाव आगे क्या सोच रहे हैं, क्षेत्र में किस तरह के रुझान है? रुझान अब की बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन को हम वोट करेंगे। हाँ, BJP से संतुष्ट नहीं है। हाँ, इनसे हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है, और इनकी जो योजनाएं हैं सिर्फ कागज़ में चलती हैं, बाहर आने के बाद सारे घूस देना पड़ता है, कहीं भी कोई आपस जाए। अभी हम मुख्यमंत्री लोग सिंचाई की बोरिंग करवाए थे, बोरिंग हमारी दग गई है, सफल नहीं हुई। आज अभी ऑफिस से आ रहे हैं, उनके ना JEE बात करने को तैयार है ना AE है। परेशानी है, रोज दौड़ा रहे हैं ऑफिस, क्या करेंगे। BJP के नेता तो कहते हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मोदी जी कह रहे हैं, वहाँ वो कह रहे हैं ना, मोदी जी से कोई पब्लिक में मिलते हैं जाके, 4 लोग बस वही सिक्योरिटी वाले आ जाएंगे, जो बना बनाया रहेगा वही जो कहलवाएंगे। भाई जनता के बीच आए तब उनको समस्या पता चलेगी। वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार बहुत अच्छी है, मोदी जी काम कर रहे हैं। सरकार तो AC में बैठ के सबको सस्ती, ये बताइए स्मृति ईरानी यही थी जब दूसरी सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि सिलेंडर बहुत महंगा है, सर पे रख के लेके गई थी। आज इन्होंने 1100 रुपए सिलेंडर कर दिया, 1200 रुपए सस्ता कर दिया। जब 500 रुपए सिलेंडर था तब इनको महंगा लगता था। सुरेश राणा मंत्री हैं आपके गन्ना विभाग के, ठीक है, जब ये सरकार में नहीं थे तो इन्होंने कहा गन्ने का रेट 800 रुपए क्विंटल होना चाहिए। आज उसी विभाग के मंत्री हैं, 10 साल में कितना बढ़ा, 20 रुपए। हाँ, 800 में 20 रुपए क्या मतलब है? 20 पहले बढ़ा, 25 इस बार। अरे 25 कहाँ बढ़ा है भैया, हम लोग किसान हम बेच रहे हैं देख रहे हैं, 800 रुपए की बात किए थे सुरेश राणा जी, इतना बढ़ा है। हाँ, तो 25 रुपए बढ़ा के क्या किए, 800-425 मतलब 500, कम से कम 700 रुपए करे भाई। इनका जो वादा सिर्फ है, कर कुछ नहीं रहे हैं। जैसे आप पश्चिम के बारे में कह रहे हैं सुरेश राणा जी के, उधर कहा था इन्होंने की 400 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट करेंगे, 14 दिन में भुगतान करेंगे। नहीं, सपा की सरकार थी तो हर साल जो वो 25-30 रुपए बढ़ाते थे, हर साल की मैं बात कर रहा हूँ, 10 साल में इन्होंने कितना बढ़ाया हमको ये बताइए आप, 10 साल में कितना बढ़ाया इन्होंने। उसी विभाग के मंत्री हैं, 800 रुपए कहते थे कि 800 रुपए नीचे अगर गन्ना बेचा जाता है तो किसानों की लागत नहीं निकलती है। अब उसी विभाग का मंत्री जब हो गए हैं उसके बारे में बातें नहीं करना चाहते हैं। स्मृति ईरानी है, वो सिलेंडर लेके पहले प्रचार करती थी, आज 1200 रुपए कर दिए, 1200 करके 100 रुपए घटा दिया जाए तो क्या मतलब है। हमको 500-400 रुपए सिलेंडर मिल रहा था या 500 की, 1000 सस्ता है ये बताइए, 500 सस्ता है ना, तो 1000 में क्या फायदा है। खेती करते हैं? हम किसान है भैया। कैसे रहे किस किसानों के लिए? किसानों के लिए क्या है, सांड सब खा जा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत होता है धान पता लगे सेंटर पे बेचने ले जाते हैं, तो उनका जो SMI है या मार्केटिंग इंस्पेक्टर है कहता पहले हमको इतने रुपए क्विंटल घूस दो, कोई जांच करने वाला है नहीं, सिर्फ कागज में जांच हो रही है इनकी। प्रैक्टिकली फील्ड में आए तब इनको पता चलेगा क्या कंडीशन है। क्या विचार है इस बार? इस बार तो भैया हम अगली बार दिए थे, अब की बार नहीं देंगे वोट BJP को। पिछली बार दिए? हाँ, पिछली बार दिए थे। कैंडिडेट दोनों ठीक है लेकिन पार्टी नहीं ठीक है BJP। हाँ, सिर्फ ये जो है कागज में वादा और पब्लिक को दिखाने के लिए पूरा कर रहे हैं। बदलाव का मूड है? बदलाव का मूड है।
400 पार कह रहे हैं ये तो। अरे 400, अच्छा ये बताइए अगर 400 पार कर रहे हैं तो चुनाव लड़ने क्या जरूरत है, तब तो इनकी सरकार बन गई भाई। तो जब इनका 400 पार है तो और कैंडिडेट कहाँ से आएंगे, तो बैठे बैठाए इनकी सरकार बन गई ना, बैठे बैठाए बन गए। अगर 400 पार है तो इनको चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर 400 पार है तो सरकार तो इनकी बन गई, तो चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं ये बताइए। ऐसे तो विपक्ष तो रहेगा नहीं, विपक्ष रहेगा नहीं तो अकेले ये रहे भाई। राजा है जो मर्जी हो करे, अगर 400 पार है आप बदलाव चाह रहे हैं, हम बदलाव चाह रहे हैं, वोट नहीं करेंगे। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या नाम अपना? अंकुर चौधरी। अंकुर भाई, चुनाव आ रहे, क्या देख रहे इस बार अपने क्षेत्र में अम्बेडकर नगर लोकसभा है? सर बदलाव चाहते हैं। सरकार के काम अच्छे नहीं लगे पिछले? नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या क्या दिक्कतें रही? दिक्कतें सारी हैं, खेती से लेके हर विभाग में दिक्कतें हैं, कोई ऐसा नहीं विभाग है कि जिसमें सुकून मिल जाए। घर परिवार में कुछ फायदा नहीं मिला सरकार से? फायदा क्या मिलेगा, फायदा कुछ नहीं मिला है, फायदे लायक हम लोग है ये नहीं है, फायदा देंगे क्या? ये तो कह रहे हैं मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं जनता के लिए, बहुत 18-18 घंटे काम करते हैं, आपको काम उनकी वजह से फायदा कुछ हुआ नहीं आपका? 18 कर रहे हैं तब इस स्थिति पर हम लोग हैं, और 12 करेंगे तब तो घर से ही निकाल देंगे हम लोगों को, तब तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी हम लोगों की। 18 कर रहे हैं तब ये स्थिति है, और जब 12 वो करने लगेंगे तब तो हम लोगों की स्थिति और ख़राब हो जाएगी। करते क्या आप? खेती करते हैं। खेती में फिर कैसा रहा आपका ये 10 साल जो सरकार करे, खेती के लिए कैसे रहे? खाने के लिए मिल जाता है बस, यही जानिए, जो लगाते हैं लागत नहीं निकलती है। महंगाई का असर है? महंगाई का असर है, बाकी और जो बचता है वो जो अपना सरकार पर छोड़वाई है उसके लिए सबसे ज़्यादा समस्या है। जैसे खेती में लागत लगती है, खाद बीज ये सब इस तरह की चीज़ें लगती है, वो पहले से महंगी हुई है सस्ती हुई है क्या हुई है? जिस हिसाब से खाद और डीजल ये इस सब का दाम बढ़ा है उस हिसाब से इसका भी दाम बढ़ना चाहिए ना, गेहूं और धान का, लेकिन ये तो बढ़ा नहीं है, सिर्फ डीजल का और खाद का और बीज का ये सब दाम बढ़ता है, तो इसका भी बढ़ना चाहिए ना। तो कह रहे कि वजन घटा दिए, दाम उतने ही है DAP के, यूरिया के, इन सब के। तो दाम तो उतना है, वजन तो घटा दी, तो नुकसान हो गया। जिस खेत में 50 किलो पड़ता था और मान लीजिए 1600 रुपए मिल रहा था, और उसी खेत में अब 45 किलो मिलेगा उतने रेट में, तो 5 किलो तो घट गया, 5 किलो तो अलग से पैसा लगाना, फिर महंगाई नहीं हो गई? चाहे इधर से कान पकड़ ले चाहे इधर से पकड़ ले, तो उनको सीधे सीधे 50 किलो पर रेट बढ़ा देना चाहिए था ना। ये नुकसान किसान को ही हुआ? हर तरफ से किसान पिट रहा है भाई, किसान तो हर तरफ से पिट रहा है। अच्छा, वोट किधर कर रहे हैं ये बताइए? वोट अब की बार बदलाव होगा। बदलाव होगा, और पिछली बार कहाँ किए थे? पिछली बार सरकार जो बनी थी बीजेपी की, तो बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, अब की बार बदलाव होगा। नमस्कार। क्या नाम अपना? नहीं, हमारा नाम तो गया प्रसाद है जी। चुनाव की हम बात कर रहे थे, आपके क्षेत्र में क्या रुझान चल रहा है आपके यहाँ? नहीं, रुझान तो अब की बार इस क्षेत्र की पूरी जनता चाह रही है कि बदलाव हो। महंगाई के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या है कि दाल नहीं मिल रही है। महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से नहीं, जो हमारा पशु है, लोग परेशान हैं एकदम। खेती में नुकसान हो रहा है? खेती में कुछ बची नहीं रहा, नुकसान हो रहा है। जब कुछ बचेगा तब ना, कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं सरकार की बात करूं तो कहीं ना कहीं गौ संरक्षण की बात कही थी इन्होंने कि हम गाय को संरक्षित करेंगे, गाय का उसकी सुरक्षा करेंगे, इस तरह की बातें हुई थी जब सरकार में आने से पहले। क्या ऐसा हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो ऐसा नहीं हुआ। गाय की तो छोड़िए, इंसान की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ महिला भी रात को घूम सकती है, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, गुंडागर्दी नहीं रही है, ये तो ऐसे दावे कर रहे हैं। नहीं नहीं, केवल वो तो गोदी मीडिया में ही है, बाकी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। धरातल पे कुछ नहीं है।
धरातल पे तो सारे लोग परेशान हैं, और हम तो सरकार की बुराई नहीं कर सकते हैं, ना पता चले कोई मुकदमे हो जाए, क्या पता। आप नौकरी में है? नहीं, नौकरी में तो नहीं है, लेकिन मुकदमा हो जाएगा तो क्या करेंगे। दस साल, ये दस साल कैसे रहे फिर आपके लिए? हमारे लिए तो अगर नंबर की बात कहेंगे तो दस में तो हम एक भी नंबर नहीं दे पाएंगे दस साल में, लेकिन सरकार की बुराई नहीं करेंगे। नहीं, आम आदमी के मुद्दे जो है, तो यहाँ क्षेत्र में जैसे शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, आपके यहाँ इस तरह की व्यवस्था हुई हो, स्कूल कॉलेज अस्पताल इस तरह की चीज़ें? कुछ नहीं हुआ। हाँ, इतना हुआ है कि इधर लोगों की जमीन का अधिग्रहण हो गया है, और जो भी वो जीएस जमीन थी वो भी कब्जा कर लिए, जो मान लीजिए जितना लोग रेट चाह रहे थे रेट भी नहीं मिला। परेशान है अब क्षेत्र वाले, कहीं जमीने नहीं पा रहे, बेचारे दूर दूर भाग के जा रहे हैं। अच्छा, हम किसानों की बात कर रहे थे, किसानों की जमीने ली गई यहाँ? हाँ, किसानों की ग्रहण में। हाँ, किसानों रेट वेट नहीं मिला उनको? नहीं, रेट जो चाह रहे थे वो नहीं मिला। लोग नौकरी चाह रहे थे एक, वो भी नहीं मिला। क्यों भैया? हाँ, चाह रहे थे नौकरी भी नहीं मिली, जितना रेट चाह रहे थे रेट भी नहीं मिला। तो इस बार कहाँ सोच रहे हैं आप जाने का, वोट कहाँ कर रहे हैं? इधर तो साइकिल बहुत तेज चल रही है, और हम कुछ नहीं कहेंगे। तो पिछली बार किधर गए थे? पिछली बार का तब जो हो गया वो भूल थी। अब लोग सुधार कर रहे हैं, अब सुधार कर रहे हैं भाई। हर एक इंसान से कभी न कभी गलती होती, तो गलती हुई है, उसी में सुधार करने में लोग लगे हैं। तो इस बार सुधार रहे हैं? हाँ, सुधार कर रहे हैं, और साइकिल बहुत तेज दौड़ा रहे हैं। सरकार का विरोध हम नहीं करेंगे, लेकिन आप बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव तो होगा। हम अभी अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर थे, और ये बिवाना गांव है, जहां पर हमने कुर्मी समाज के लोगों से बातचीत की, और साथ में अन्य समाज के लोगों से भी बातचीत की। लोगों में सरकार को लेकर खासी नाराज़गी है, और किसानी के मुद्दे पर लोग काफ़ी नाराज़ हैं। लोग बदलाव चाहते हैं इस बार इस चुनाव को लेकर। जुड़े रहे आप सीसीए से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।